खाद्य पदार्थ कन्विंसिंग एजेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित धनिये की राष्ट्रीय सेमिनार में संस्था के अध्यक्ष श्री कैलाश जी, आर्ची मचालस के चेन्नई के मिस्टर दंडपानी जी जो हमसे जुड़ेंगे, पीसी कनन जी एंड कंपनी जो इंदौर से पधारे हैं, नमस्ते और देश भर से आए सभी धनिया एक्सपोर्टर, धनिया उत्पादक, व्यापारी भाइयों, किसान भाइयों, मैं सबसे पहले एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सेमिनार कोटा में आयोजित की। भारत देश की मसाला उत्पादक में विश्व में सबसे आगे है। हम उत्पादक में भी आगे हैं और उपभोक्ता और कंज्यूमर के रूप में भी देश में सबसे अग्रणी है। और हमारे मसाले की विभिन्न वैरायटी और उसकी क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, इसलिए हम मसाले के सारे विश्व के अंदर एक बड़े निर्यातक के रूप में भी हैं। हम हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि किस तरीके से जब सारा दुनिया एक है, सारी दुनिया का बाजार एक है, तो भारत किस तरीके से सारी दुनिया का बढ़िया निर्यातक बने। हम हमारी आवश्यकताओं को तो पूरी करें और आवश्यकताओं को पूरी करते हुए दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ मसाला उत्पादक है भारत, दुनिया का प्रमुख निर्यातक केंद्र बनना चाहिए। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारी सारी आर्थिक स्थिति किसानों पर निर्भर करती है। और इसीलिए किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में नया इनोवेशन करके, नई तकनीकी का उपयोग कर किस तरीके से हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, इस बारे में भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का रकबा है वह रकबा कम होता जा रहा है। रकबे के साथ एक परिवार में 100 बीघा जमीन थी, चार भाई हुए तो 25-25 बीघा हुई, पर परिवार रकबा भी कम होता जा रहा है। तो परिवार का रकबा कम होना, एग्रीकल्चर का इलाके का रकबा कम होना, तो हमारे पास एक बेहतर विकल्प है कि दुनिया के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो नए इनोवेशन है, नई तकनीकी है, हम किस तरीके से भारत के किसानों तक उस तकनीकी को पहुंचाएं। और इसके लिए किसान के साथ साथ व्यापारिक और निर्यातक तीनों को मिलाकर इसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। अगर तीनों मिलकर इसकी कार्य योजना बनाएंगे, एक तरफ किसान अच्छी खेती करे, अच्छा उसका उत्पादन हो, उसका प्रोडक्शन बेहतर क्वालिटी का हो, फिर उसको प्रोसेस करने वाली यूनिट भारत के अंदर लगे, वह भी नई तकनीकी के लगे, और उसके बाद हमारा व्यापारी और एक्सपोर्टर दुनिया भर के अंदर हमारे मसालों की क्वालिटी को वहां तक पहुंचाने का काम करें।
ये तीनों सिस्टम को हम एक साथ डेवलप करेंगे तो शायद भारत आज भी निर्यातक के रूप में प्रथम है, हम और विश्व के अन्य देशों के अंदर भारत का ही मसाला चले, इसको हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मेरी बार बार ये इच्छा रहती है कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेश के अंदर, प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग क्लाइमेट वातावरण होता है, इसका क्लाइमेट का भी एक असर पड़ता है, उसके साथ क्लाइमेट के साथ वहां पर्याप्त पानी हो, बिजली हो, और उस सबसे बढ़िया जो आज हमारी आवश्यकता है कि हमारा बीज वह सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का होगा तो हम अधिक उत्पादन कर पाएंगे। और बीज के बाद अगर उसमें कोई बीमारी लगती है तो बीमारी में कौन सी दवा देनी है, इसके लिए भी कृषि वैज्ञानिक के आधार पर अगर किसान दवा देगा तो हम कम दवा से उस बीमारी को बचाने में कामयाब हों। और इसके लिए मैं आज सेमिनार के आयोजकों को कहना चाहता हूं कि आप कोटा में एक सेमिनार आयोजित करें जिसमें किसान रहें, व्यापारी रहें, एक्सपोर्टर रहें और देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहें, हम सब एक साथ बैठकर एक इलाके की कार्य योजना बनाएं। आज मुझे जब कैलाश जी ने कहा कि धनिया उत्पादन के रूप में हमारा जिला, विशेष रूप से रामगंज मंडी, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक कृषि का केंद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 उस कृषि का उत्पादन कम होते जा रहा है। क्वालिटी के मामले में आज भी रामगंज मंडी और कोटा का धनिया सबसे बढ़िया खुशबू वाला भी है और औषधि के रूप में भी इस धनिये का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन हम इसको किस तरीके से कार्य योजना बनाएं और इसके लिए मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहां का जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस इलाके के किसान को सक्षम करूं, यहां के उत्पादकों को बेहतर तरीके बीज, उसकी क्वालिटी को किस तरीके से दुनिया में और बेहतरीन हो सकती है उसके लिए लगातार रिसर्च, और रिसर्च के साथ साथ किस तरीके से किसान को कौन सा बीज डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और बीमारी लगने के बाद उसके लिए कौन सी दवा उपयोग में लेनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूं किसान के अंदर जब कभी कोई लोंगिया बीमारी लग जाती है या कोई भी बीमारी लग जाती है तो वह किसी वैज्ञानिक से सलाह नहीं लेते, वे सीधे दुकान पर जाते हैं और दुकानदार उनको बताता है और दवा को छिड़क देते हैं। आज भी हम पुराने ट्रेडिशन से चल रहे हैं और इसलिए मैंने तय किया है कि कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और देश भर के बेस्ट वैज्ञानिक उनका एक सेमिनार करने के बाद जो एग्रीकल्चर में पढ़ने वाला विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को हर गांव के अंदर 5 विद्यार्थियों को पूरे वर्ष भर किसान के साथ लगाकर उसकी बेटर क्वालिटी का बीज और बीज के बाद पूरे प्रोसेस के अंदर वो एग्रीकल्चर पढ़ने वाला विद्यार्थी उनके साथ रहे ताकि हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और क्वालिटी को बेहतरीन कर सकें। और ये एक प्रयास होगा, अगर धीरे धीरे इसके परिणाम आए तो हम कृषक मित्र तैयार करेंगे, गांव के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तैयार करेंगे, उनकी ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के जो वैज्ञानिक उनके साथ उनकी ट्रेनिंग कराएंगे ताकि उस गांव में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो अभी गांव से पलायन कर रहा है क्योंकि उसको खेती से इतनी आमदनी होनी थी उसकी आमदनी नहीं हो रही, धीरे धीरे स्थिति को बदलना पड़ेगा कि गांव से पढ़ा लिखा बच्चा पलायन न करे, गांव के अंदर कम जमीन में ज्यादा उत्पादन और बेहतर क्वालिटी का कर
बेस्ट एक्सपोर्टर का काम करे और गांव से बैठकर काम करे, और इसके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। इन सेमिनारों के माध्यम से मैं यहां एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष राठी जी भी बैठे हैं, मैंने उनको कहा कि हमारा कृषि उपज मंडी का परिसर केवल किसान की उपज बेचने के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा परिसर होना चाहिए किसान की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बेहतरीन करने के लिए, और उसके प्रोसेस यूनिट डालने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। अब धीरे धीरे सरकारों ने भी प्रयास किया है कि गांव के अंदर छोटी छोटे प्रोसेस यूनिट लगे, जब गांव में प्रोसेस यूनिट होंगे वैल्यू एडिशन होगा तो किसान को भी उसका दाम ठीक से मिलने लगेगा। और इसके लिए मैं यहां पर जितने भी व्यापारी बैठे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप इस इलाके के अंदर जो भी प्रोसेस यूनिट लगाएंगे मैं और सरकार आपके साथ है, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रोसेस यूनिट लगाने में आपको जितनी भी एक्सपर्ट राय हो वो देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक्सपर्ट राय के लिए भी लोगों को बुलाऊंगा, और किस तरीके से हम यहां पर उत्पादक इकाइयां लगा सकते हैं इस दिशा के अंदर भी काम करेंगे। आज हम सबके लिए ये चिंता का विषय है कि धनिया का उत्पादन कम होता जा रहा है, और इस चिंता के लिए आपने चिंता करी, इसके लिए मैं एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं कि व्यापारी और एक्सपोर्टर अपने इलाके की चिंता कर रहा है, ये बधाई के पात्र है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम FPO भी बनाएं, हर इलाके के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर हमें तैयार करने की आवश्यकता है। फूड प्रोसेस यूनिट लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वह छोटा छोटा किसान जिसकी छोटी छोटी जमीन है वह जमीन के चक्र को एक साथ सामूहिकता के साथ सब मिलकर बड़ा चक्र बनाकर और फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, उसके बाद सरकार भी उसको पर्याप्त वित्तीय सहायता भी देगी, तकनीकी भी सहायता भी देगी, ताकि हम छोटे किसान और छोटी जमीन वाले को भी उसकी ज्यादा आमदनी कर सके, इस दिशा की ओर भी काम करने की आवश्यकता है। आज दुनिया के अंदर ये बात सही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर हुए, लेकिन हम अभी भी परंपरागत खेती की ओर ही चल रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर चले जाएं तो कभी लहसुन की रेट ज्यादा होती है तो लहसुन लगाने लग जाते हैं, कभी धनिया की रेट होने लगती है धनिया लगाने लग जाते हैं। हमें वैज्ञानिक तरीके से विचार करना, और इसके लिए व्यापारियों को किसानों के साथ बैठकर वार्ता करनी होगी, क्योंकि अगर अपने एक पिछले साल की रेट के आधार पर प्रोडक्शन इलाका ज्यादा बढ़ा दिया, किसान ने ज्यादा उस प्रोडक्शन या उस लहसुन को धनिए को चावल को सोयाबीन को सरसों को पिछले भाव के आधार पर ज्यादा उत्पादन करने का प्रयास किया तो उसकी रेट कम हो जाएगी। और इसके लिए जो आपने सही कहा कि इसका विचार करना चाहिए कब कितना उत्पादन हो ताकि उसको रेट ठीक से मिले, और किस चीज का किसान उत्पादन करे, इसके लिए भी आप लोगों की समय समय पर एडवाइस सलाह उनको देते रहना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के अंदर उनकी आवश्यकताओं को देखते हैं, उनकी मांग को देखते हैं, दुनिया में किस चीज की मांग है, कौन सी देश के अंदर कौन सी कृषि उत्पादन हो रहा है, उसको भी हमें मैकेनिज्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारा दुनिया का बाजार एक है, तो बाजार एक है तो हमें देखना पड़ेगा कि देश के किस हिस्से के अंदर चावल की फसल कैसे कैसी हुई है, और हमारे यहां पर चावल का रकबा कितना लगना चाहिए ताकि हमें चावल की ठीक रेट मिल जाए। हमें गेहूं के अंदर देखना पड़ेगा, हमें सोयाबीन में देखना पड़ेगा, सरसों को देखना पड़ेगा। ये हमारी परंपरागत खेती है, लेकिन परंपरागत खेती से हटकर भी हमें नए खेती करने की आवश्यकता है जिसका दाम ठीक से मिल जाए। मुझे कई बार किसान मिलते हैं, वो किसान कहते हैं हम एक बीघा के अंदर इतना पैसा कमाते हैं, और दूसरा किसान मिलता है हम एक बीघा में इतना पैसा कमाते हैं।
हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम किसानों को सलाह देकर उसकी कम जमीन में ज्यादा उत्पादन करकर उसको ठीक से कीमत मिले ताकि किसान सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। जब देश का किसान सशक्त होगा, मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, देश सशक्त होगा। और इसके लिए हमारा सारा ध्यान उस किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। मुझे आशा है आने वाले समय में आपने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि कोविड के कारण मैं ये कार्यक्रम करने वाला था। अब धीरे धीरे कोविड का प्रभाव कम हुआ है और अपेक्षा करते हैं कि हमारी सावधानी से कोविड का प्रभाव और कम होगा। हम शीघ्र आपके साथ भी, एसोसिएशन के साथ भी, किसान संगठन के साथ भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, राज्य और केंद्र के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक व्यापक योजना बनाएंगे। और हम सब सांसदों से यह आग्रह करता हूं कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उसको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करना चाहिए, इसके लिए हमें सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो किसान की आमदनी को बढ़ाने में कामयाब होंगे, और किसान की आमदनी बढ़ेगी तो देश की आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। हमारी आर्थिक धुरी का मुख्य केंद्र एग्रीकल्चर है, किसान है। हम जब तक किसान की जिंदगी को बेहतर नहीं करेंगे, देश को खुशहाल और समृद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम देश के किसान को समृद्ध करें, खुशहाल करें, आर्थिक रूप से मजबूत करें। जिस दिन हमारे देश का किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा, मजबूत होगा, भारत दुनिया में सबसे सशक्त और आर्थिक मजबूत देश होगा। और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सेमिनार कोटा में आयोजित करी। निश्चित मानिए, अगले साल जब हम मिलेंगे तो हमारा धनिये का रकबा भी बढ़ेगा और धनिये की किसान को रेट भी ठीक मिले और बीमारी से किस तरीके से बचाव कर सके उसका भी इंतजाम होगा। और धनिया दुनिया और देश के अंदर सबसे बढ़िया दुनिया का धनिया हाड़ोती का होगा, रामगंज मंडी का होगा, ये हमारा प्रयास होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।